नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते बड़ी खबरों की ओर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना पांचवा और मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में गरीबों, किसानों और बुजुर्गों का सरकार ने काफी ख्याल रखा है। वहीं मिडिल क्लास की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। नौकरी पेशा लोगों को इस बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद थी, लेकिन जेटली ने इसमें कोई भी छूट नहीं दी। इसके अलावा सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इस बार का बजट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे को बेहतर बनाने के लिए एक रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने का ऐलान किया है। ये विश्वविद्यालय गुजरात के शहर वडोदरा में स्थापित होगा। अरुण जेटली ने बजट 2018 पेश करते हुए रेलवे के लिए 18 स्कूल भी खोलने का ऐलान किया। ये स्कूल्स देश के IIT संस्थानों में खोले जाएंगे। इन स्कूलों में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग का काम होगा। वित्त मंत्री ने 600 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण करने की भी बात कही। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट 2018 पेश किया। ये मोदी सरकार का पांचवा बजट था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें दी है। पशुओं के संवर्धन के लिए गोवर्धन योजना चलाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने किसानों को क्रेडिट कार्ड देने की भी बात कही है। बजट में किसान कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ का फंड बनाने की बात की गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में 2018-19 के लिए आम बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बजट में सरकार ने इस साल 70 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा है। 50 लाख युवाओं को नौकरी के लिए सरकार ट्रेनिंग देगी। रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। व्यापार शुरू करने के लिए सरकार 3 लाख करोड़ तक का फंड भी देगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट 2018-19 के संसद में पेश होने के बाद देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये बजट देश के न्यू इंडिया को मजबूत करने वाला बजट है। साथ ही कहा कि ये बजट देश के 125 करोड़ लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को मजबूत करने वाला बजट है। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को बजट के लिए बधाई दी। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को मिलेगा। उधर बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार बताएं क्या यही उनके लिए डबल इंजन है। साल 2018 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण पूरे भारत में आकर्षण का केंद्र रहा। हालांकि भारत में इसे आंशिक तौर पर देखा जा सका। चांद 3 रूपों सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून में दिखा। इस चंद्र ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। वहीं मुंबई के नेहरू तारा मंडल के निदेशक अरविंद परांजपे ने बताया कि ऐसा दूसरा चंद्र ग्रहण 28 जुलाई को होगा और वो पूरे भारत में दिखाई देगा। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार की मुखर आलोचना करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी चाहे तो उन्हें निकाल सकती है। सिन्हा ने कहा कि मेरा आंदोलन किसी व्यक्ति और पार्टी के खिलाफ नहीं है, मेरा विरोध नीतियों के खिलाफ है। कल्पना चावला भारतीय मूल की ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर कामयाबी के झंडे गाड़े। कल्पना चावला ने हरियाणा से अपना सफर शुरू किया और वे नासा तक पहुंची, लेकिन 1 फरवरी 2003 को अपने अंतरिक्ष मिशन से लौटते हुए कल्पना चावला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अब बॉलीवुड का इरादा कल्पना चावला की जिंदगी को सिल्वर स्क्रीन पर पेश करने का है। इसके लिए प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में सिंह और उनकी पत्नी के अलावा 4 अन्य लोगों के नाम भी दर्ज है। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए बवाल में चंदन गुप्ता की हत्या का मुख्य आरोपी सलीम जावेद आखिरकार पुलिस की हत्या चढ़ गया। पुलिस को आरोपी सलीम कासगंज में ही छिपा हुआ मिला। बता दें कि इससे पहले पुलिस उसके घर से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर चुके हैं। वहीं पिस्टल को बैलिस्टिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पारा में हंस खेड़ा के पास LDA के नवनिर्मित अपार्टमेंट में छिपे 50,000 रुपए के इनामी बदमाश नरेश भाटी की देर रात पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नरेश के पैर में गोली लगी, लेकिन वे भाग निकला। उसके साथ ही कुलदीप जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों की फायरिंग में सरोजनी नगर थाने के 2 सिपाही अरविंद और मुकेश भी घायल हो गए। बदमाशों के पास से पुलिस को 1 कार्बाइन, 2 तमंचे और 1 बाइक बरामद हुई है।
भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को कथित तौर पर गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अधिकारी पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के जासूसी ग्रोह को ये दस्तावेज दिए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि अधिकारी इन दस्तावेजों को किस महिला के पास भेज रहा था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भारतीय टीम की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल पर खास नजर रखेंगे। साथ ही कहा कि अगर मैं 2008 में मेरे नेतृत्व में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम से तुलना करूं तो इस टीम का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। गूगल आज मलयालम इंग्लिश राइटर कमला दास की किताब माई स्टोरी को सेलिब्रेट कर रहा है। गूगल ने सेलिब्रेटिंग कमला दास शीर्षक से ट्विटर बनाया है और इस भारतीय लेखिका को सम्मान दिया है। कमला दास की किताब माई स्टोरी आज ही के दिन 1976 में रिलीज हुई थी। कमला दास ने महिलाओं की सेक्सुअलिटी और उनके लिए अपराध भावना से मुक्ति की सोच अपनी कविताओं में डाली थी। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।